नवरचना अपार्टमेंट के लोगों के सामने खड़ी है मुश्किलें। सीवर ओवरफ्लो होने से परेशान हैं लोग। स्थानीय लोगों का कहना, कर्मचारी काम नहीं करता है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने साधा आप पर निशाना। केजरीवाल सरकार हमेशा बयानबाजी करती है। महेंद्र आहूजा, सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। अनुज अत्रे, पूर्वी दिल्ली में बढ़ रही है चोरी की वारदातें। मानसरोवर स्थित खेड़ा गांव में हुई दो चोरियां। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी और आपका वार पलटवार। आप पार्षदों ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। आपकी मेयर चुने जाने से बौखलाहट में है बीजेपी। बीजेपी पार्षदों ने साधा आप पर निशाना। ज्वालानगर में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का विरोध। जनता कर रही है विरोध। जनता का कहना, टावर से रेडिएशन से होगा बच्चों को खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्या केवल झुग्गी बस्ती में होंगी या फिर कच्ची कॉलोनियों में, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार समस्या बड़े और पॉश सोसाइटी में भी देखने को मिलती है। ऐसी ही कई समस्याओं से नवरचना अपार्टमेंट के लोग जूझ रहे हैं। दरअसल यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता है। सीवर काफी समय से ओवरफ्लो है लेकिन कोई भी निगम कर्मी आकर इन्हें साफ नहीं करता है, जिससे सोसाइटी के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही उन्हें बीमारियों का डर भी सता रहा है। जो है सीवर लाइनें बंद हैं और जल बोर्ड अंदर काम नहीं करता, पानी की लाइनें नहीं मेंटेन करते। अब ये अगर ठीक नहीं हुआ तो एक दो दिन में सारी सोसाइटी में सीवर का पानी भरना शुरू हो जाएगा। वो लोग काम क्यों नहीं करते? वो ये कहते हैं कि आपको 15% हाउस टैक्स में रिबेट मिल रही है, आपको खुद कॉम्प्लेक्स मेंटेन करना है, इसलिए हम नहीं करेंगे। अच्छा। ये सिर्फ जल बोर्ड नहीं, जल बोर्ड सीवर लाइनें नहीं करता, हमारे से सर्विस चार्ज ले रहा है, हमारे से मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है, पानी की लाइनें हमारे को खुद मेंटेन करनी पड़ती है, MCD हमारे पार्कों को मेंटेन नहीं करता, MCD अंदर स्वीपर नहीं भेजता, MCD अंदर पेड़ों की प्रूनिंग नहीं करता। सोसाइटी में पिछले 27 साल से मैं हूँ, पर यहाँ की समस्या से आपको अवगत कराने का यही मतलब है कि यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो फैसिलिटीज़ हमारे सामने कॉलोनी है वहाँ मिल जाती हैं, वो हमारे को नहीं मिलती। सीवर हमें खुद साफ़ करवाने पड़ते हैं, स्वीपर हमें खुद रखने पड़ते हैं, अपने फ्लैट खुद मेंटेन करने पड़ते हैं। कोई कैजुअलिटी हो जाए उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। DD की तरफ से कोई सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती? कुछ नहीं, सिर्फ 15% की छूट मिलती है हाउस टैक्स के अंदर, जो नाकाफ़ी है। हम ये चाहते हैं हमको भी यहाँ का नागरिक समझ के हम सार वही ट्रीटमेंट दिया जाए सबको दिया जाता है। आज वो अनाउंस कर रहे हैं कच्ची झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिए जाएंगे। जो अपने मकान बैठ के यहाँ बैठे हुए 40 सालों से, उनके लिए कोई सुझाव नहीं है उनके पास, उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है उसके पास। हम आज भी यतीमों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि ये मकान अटॉर्नीज के ऊपर है, हमारे को इसका मालिकाना हक नहीं है। देखिए, ये लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। यहाँ वास्तव में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ बिजली का काम होना चाहिए, यहाँ शिवर का काम होना चाहिए, यहाँ जल बोर्ड का काम होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, पार्कों की देखरेख बराबर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन करेगा? चुनी हुई सरकार ही तो करेगी, लेकिन नहीं कर रहे हैं। हम PWD का महीने का 50,000 रुपये का पानी का बिल देते हैं, लेकिन PWD यहाँ पे कोई समस्या हो तो अंदर आने से साफ मना कर देते हैं, कहते हमें सोसाइटीज़ के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम तो 50,000 रुपये महीना पे कर ही रहे हैं ना, उसके अलावा सफाई वाला कोई नहीं आता, PWD वाला कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंदर नहीं आता। पैसे दे रहे हैं ऑलरेडी, हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, PWD को पानी का बिल हम दे रहे हैं, और बताओ क्या दें। दिल्ली सरकार के नेता और सत्ता में बैठे लोग हमेशा ही अपने बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने सीधे उपराज्यपाल को निशाना बनाया है और कहा है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात ना सुने और सीधे तौर पर उनकी बातों को ना माने। इस पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने अपनी बात रखी है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल सरकार हमेशा बयानबाजी करती है, काम नहीं करती है, और उपराज्यपाल को भी एक छोटा व्यक्ति जानकर उनकी निंदा करती है। तो वहीं कांग्रेस नेता अनुज अत्रे का कहना है कि सरकार अपना काम ठीक से करे, दूसरे के कामों में टांग ना अड़ाए। देखिए, लगातार संवैधानिक संकट उत्पन्न करना, संवैधानिक
पद पर बैठे उपराज्यपाल महोदय का अपमान करना आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के लोगों का काम बन गया है। जिस तरह से लगातार ये लोग उपराज्यपाल की अवहेलना करते हैं, उनकी गरिमा का ध्यान नहीं रखते, ये बहुत ही निंदनीय काम है। हम चाहते हैं कि सरकार राजभवन के साथ समन्वय बना करके काम करे। कांग्रेस पार्टी की सरकार, शीला दीक्षित जी ने जिस तरह से 15 साल राज्यपाल के साथ एक समन्वय बनाया, ब्यूरोक्रेसी के साथ समन्वय बनाया, आम आदमी पार्टी को सीख लेनी चाहिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार से, और दिल्ली के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के विषयों में राजनीति करें। जहाँ आपका जिम्मेदारी सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार पद पर है तो आपको अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। केजरीवाल सरकार का शुरू से ही काम करने के स्थान पर विवाद पैदा करने की नीति है। विवाद पैदा करके मुद्दों से ध्यान भटका के ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते, केवल राजनीति में विवादों के कारण बने रहना चाहते हैं। केजरीवाल जी उपराज्यपाल को दिल्ली में बाकी राज्यों के राज्यपाल से अधिक अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, नई दिल्ली का एरिया भी है, कंटोनमेंट का एरिया भी है, सारा क्षेत्र आपके अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए सारे अधिकार भी आपके अंतर्गत नहीं आते। राज्यपाल से बैठकर बातचीत करके समस्याएं सुलझाने की जगह विवाद पैदा करके, अखबारों में बयान जारी करके, बड़ी बड़ी संस्थाओं का अपमान करके आप जो चलाना चाहते हैं सरकार, ये कायदा नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनता की सेवा का निरादर है। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदात आए दिन सामने आती रहती है, कहीं बड़ी तो कहीं छोटी चोरियों का अंजाम दिया जाता है। ऐसे में लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में मानसरोवर स्थित खेड़ा गांव में 2 चोरियां हो चुकी हैं। एक जगह से चोर बैटरी रिक्शा की बैटरी लेकर फरार हो गए, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई भी दिया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस अभी तक उस चोर को नहीं पकड़ पाई है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति के घर से स्कूटी चुरा ली गई। इन दोनों वारदातों को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया। इसी कड़ी में यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कई कैमरे खराब पड़े हैं, लेकिन जो कैमरे चलते हैं और चोरों की तस्वीर साफ दिखाई भी देती है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना चोर पकड़े जाते हैं और ना ही चोरी का सामान बरामद होता है। यानी बैटरी रिक्शा और चार्जर, बैटरी रिक्शे का बैटरी और चार्जर रखा हुआ था गैली में, तो चोर आए और करीब 1:15 बजे ताला तोड़ के और उसको जो है ले गए। उनके फोटो जो आए हुए हैं, जो हमने आपको दे दिया है। और कब की बात है, कब की बात है? ये 23 तारीख की है, करीब 12:48 के बाद। आपको पता कब लगा कि चोरी हो गई? मुझे 4 बजे पता लगा, 4:10 बजे। बहुत सारी चोरियां होती रहती हैं यहाँ तो गली में। एक स्कूटी उठ गई और भी जो है कई आइटम उठ गए, थैली उठ गई। पुलिस क्या कार्रवाई करती है? अब रिपोर्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो है। मैडम जी, यहाँ आए दिन चोरी होती है। एक स्कूटी उठ गई, अभी बैटरी और उनका चार्जर सहित ताला तोड़ के उठा ले गया, ले गए चोर, और सीसीटीवी कैमरे में भी उसका फुटेज आया है, लेकिन वो अभी पकड़ से बाहर आ। जो सीसीटीवी कैमरे फ्रंट पे लगे हैं बिल्कुल ख़राब हैं। मैं शुरू से चिल्लाया जब दिल्ली गवर्नमेंट लगवा रही थी कि ये ख़राब है, चल नहीं रहा, लेकिन कोई मेरी बात सुना नहीं। इसलिए आए दिन नहीं कोई पुलिस गश्त करती है, कोई नहीं आता। यहाँ पर कई चोरियाँ हो चुकी हैं जिनकी कंप्लेंट GTB इंक्लेव थाने में दर्ज है, मगर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ नाम के लिए खाना पूर्ति होती है और कोई उसके बाद में वो नहीं होती है। अभी 23 तारीख को रात के 1:15 बजे के लगभग यहाँ पर ताला तोड़ करके एक धर्मेंद्र प्रताप नाम के हैं आदमी, शख्स हैं, वो अपने ई रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीबी हैं, तो उनका ताला तोड़ करके चोर ले गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम लोग ये चाहते हैं यहाँ पर गश्त पुलिस की बढ़ाई जाए और जो चोरियाँ हुई हैं, जो दर्ज हैं GTB इंक्लेव थाने के अंदर, उस पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर अधिकांश, ये एक हमारे यहाँ पर पार्क है, हमने अपने बीट बालों के लिए काफ़ी बार देखो इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर स्मैकी वगैरह रात को आकर के बैठते हैं और कैमरा देखो स्मैक वगैरह पीते हैं। इन लोगों को यहाँ से पकड़ो और हम आपके साथ में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, मगर यहाँ पर नहीं कोई गश्त होती है, नहीं कुछ हो। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है वैसे ही पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। कल पार्षदों के बीच फिर से हाथापाई हुई। इस दौरान महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती नजर आईं। फिर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। BJP पार्षदों का कहना है कि आपके पार्षदों ने हंगामा किया और वो पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं और हाथापाई करने लगते हैं। BJP पार्षदों ने मांग की है कि आप पार्षदों पर कार्रवाई की जाए।
वहीं आप पार्षदों का कहना है कि बीजेपी आप पार्टी की मेयर चुने जाने से बौखलाहट में है और अब स्टैंडिंग कमेटी के चयन को लेकर हंगामा कर रही है। मेरे सामने सारे ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने सारे बैलेट पेपर चेक किए और जो जिसने दिया उसके हिसाब से नोट किया और आखिर में जब रिजल्ट बना उसमें 3 बीजेपी के मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में आ रहे थे और 3 आम आदमी पार्टी में, और एक आम आदमी पार्टी का जो सदस्य था 7वें नंबर का वो हार रहा था। लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि उनका एक मेंबर हार रहा है, इमीडिएटली बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, नक्सल है और जिन्हें संविधान की कोई इज्जत नहीं है, वहीं से फोन आते हैं और मेयर एक बैलेट पेपर को लेकर और ऑफिशियल्स पे दबाव डालती है कि इस बैलेट पेपर को आप जो है इसे कैंसिल कीजिए कि ये ठीक नहीं है। ऑफिशियल ने बार बार समझाया, 15 से 20 बार ऑफिशियल ने समझाया कि ये ठीक है, आपके मेंबर्स आम आदमी पार्टी के एजेंट्स के सामने इसे ठीक करा दिया गया, रिजल्ट बन गया, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है 3 बीजेपी 3 आम आदमी पार्टी। लेकिन मेयर और ऊपर से जो इनके बड़े नेता जिसमें केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, इन सब की इन्वॉल्वमेंट थी, मेयर टस से मस नहीं हुई। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में और दिल्ली के निगम के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सिविक सेंटर में निगम के सदन की बैठक में मेयर के इशारे पर हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट, महिला पार्षदों को गाली गलौज और देश के सबसे प्रधानमंत्री को गाली देना, ये सब जो भी जितने भी हदें इन्होंने पार की, इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर और अतिशी जो इनकी विधायक थी उसके इशारे पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार किया। जब मेयर और डिप्टी मेयर इनका चुन लिया गया था, स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर इनका चुनाव होना था और उसमें सुबह पीठासीन अधिकारी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मोबाइल बिल्कुल भी जहाँ पर हम वोटिंग कर रहे हैं वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन जब मेयर बन गई तो उन्होंने ये सब वहाँ अलाउ किया। जब हमने विरोध किया तो हमारे से मारधाड़ मारपीट हुई और जिससे सदन की गरिमा तार तार हुई। डिप्टी मेयर मेयर का तो इलेक्शन ठीक रहा क्योंकि उनको उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो कोई भी किसी के लिए नहीं सोच सकता कि किसी के दिमाग में क्या होता है। बट उसके बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन की बात हुई तो अभी थोड़े ही वोट हुए 40 के आसपास, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया जी आपके लोग कैमरा लेके जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको एक बहाना चाहिए था और मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी से टाई अप किया हुआ था या गॉड नोज क्या बात थी कि उनको लग रहा था कि डिस्क्लोज ना हो जाए या वो हमें डर के कहीं हमारा साथ ना दे या जो भी था। तो उसके बाद बस इतना कहने के बाद उन्होंने ना वोटिंग करने दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसी चीज़ को लेके आप देखिए कि हम सुबह से गए हुए पूरा दिन निकल गया, पूरी रात, और पूरी रात ये नहीं कि हम लोग बैठे रहे, पूरी रात में मेरे को लगता है कम से कम 10-12 बार भी बार बार मेयर की तरफ से मीटिंग कॉल की गई कि भी मैं इलेक्शन स्टार्ट करा रही हूँ तो आप वन बाय वन अपने सीरियल वाइज आप लोग आओ और वोटिंग करो, पर इन लोगों ने वोटिंग नहीं करने दी। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वहीं लोगों ने विरोध भी किया है जिसके बावजूद मोबाइल टावर को लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस टावर से रेडिएशन निकलेगा जो बच्चों और बड़ों दोनों को नुकसान देगा। पुलिस में भी शिकायत दी गई है लेकिन चोरी छुपे ये मोबाइल टावर लगने का काम चल रहा है। भाई समस्या ये है वो टावर जो लगवाए सकते हैं हमसे पूछ के नहीं लगवाए, हमारे मकान के बराबर में है और मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और वो किसी को नहीं सुन रहा। मैंने पहले मना करा था उसने नहीं मानी, वो पड़ोसी है हमारी बहन का लड़का है, वीरेंद्र उसका नाम है, पन्नालाल का लड़का है। यहाँ पर हम 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से हमारे साथ जाते हैं, पहले गए थे तो उन्होंने पड़ोसी ने अंदर जाने नहीं दिया, उनको चेक नहीं करने दिया कि टावर कहाँ लगे हुए हैं। गीता कॉलोनी पुलिस ने बाइक पर स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक ठाकुर अरबाज के पास से छीना गया फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गीता कॉलोनी पुलिस को 20 फरवरी को मोहम्मद शानू ने शिकायत दी थी, बुध बाजार में उनसे बाइकर्स फोन छीन कर ले गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।
सीसीटीवी फुटेज से बाइक मालिक का पता चल गया, जिसने बताया कि वो बाइक उसने अपने मालिक दीपक ठाकुर को दी थी। इसके बाद पुलिस पहले दीपक तक पहुंची और फिर अरबाज तक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्ष्मीनगर में रिहायशी इलाके के बीच एक फ्लैट में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों से लूटपाट करने वाले गैंग को इनकी भनक लगी। लूटपाट का विरोध करने पर वहां दो लोगों को चाकू मारकर मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार लक्ष्मीनगर के विजय ब्लॉक में स्थित एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में शाम कुछ लोग घुस आए थे। उन्होंने लूटपाट करने के दौरान अतुल और श्याम को चाकू से हमला कर दिया, जिससे जुगल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तीन मामलों में वांछित मानव तस्कर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गैंग लड़कियों को फसलाता था और शादी के लिए हर लड़की को 4-5 लाख रुपए के बदले बेच देता था। शकरपुर की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बीपी, शुगर, बीएमडी, ईसीजी, पीएफटी जैसे तमाम टेस्ट फ्री में करवाए गए। फ्री कंसल्टेशन के लिए फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद रहे। पार्श विहार सोसाइटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस कैंप में हिस्सा लिया और इस सुविधा का लाभ उठाया। कैलाश दीपक हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है पार्श विहार सोसाइटी आईपी एक्सटेंशन में। और से एक का टाइम रखा गया है। अभी तक करीब 30 लोगों ने अपना चेकअप करा लिया है और दवाइयाँ डॉक्टर से और सलाह यहाँ पे निःशुल्क दी जा रही है। हर पेशेंट का बीपी और शुगर चेक किया जा रहा है और जिनको ज़रूरत है उनकी ईसीजी की जा रही है और पीएफटी टेस्ट किया जा रहा है। बाकी जो उनको और फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है वो सलाह मुफ्त दी जा रही है और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। देखिए, वैसे आम शुगर और बीपी के पेशेंट्स जो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वो मरीजों के साथ साथ हड्डी और सांस की तकलीफ और जोड़ों का दर्द, इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ भारी तादाद में देखने को मिल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम अपने हॉस्पिटल की तरफ से इन्हें निःशुल्क सेवाएं दें और आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ आने वाले टाइम में भी कैंप लगाते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं, बाइक डिस्चार्ज हो गई, घर की बाइक है, नई ट्रैक इन्फेक्शन करके ज़्यादा, अभी कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं आई। काफ़ी टाइम बाद ऑर्गेनाइज हो रहा है सर। इसमें इन्होंने गायनोकोलॉजिस्ट है, एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश काम किया, फिजियोथेरेपिस्ट बुलाए, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, चार सुविधाएं हम दे रहे हैं और इसमें ईसीजी है, टेस्टिंग में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।